डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी ने आज अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े, जबकि बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कार्यक्रम में भाग लिया। स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 8 करोड़ की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी लैब का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के प्रकाशनों का विमोचन भी किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि विश्वविद्यालय के छात्रों, वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के संयुक्त प्रयासों से औद्यानिकी और वानिकी के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन हुआ है। शॉल और स्मृति चिन्ह भेंटकर इन्हें सम्मानित करें। माननीय मुख्य अतिथि जी को भेंट किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह भेंटकर मंत्री महोदय को सम्मानित करें। मैं मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि माननीय वन मंत्री श्री राकेश पठानिया जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। मेरा कुलपति महोदय से अनुरोध रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस अवसर पर हमसे जुड़ने के लिए उनका धन्यवाद करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जिस तरह से समारोह मना रहे हैं, जिसमें 600 से अधिक छात्र छात्राओं को उपाधि दी जाएगी, सभी छात्र छात्राओं को मैं शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी विश्वविद्यालय किसानों, बागवानों एवं उद्यमियों के प्रति सेवा के अपने प्रयासों में सफल होगा। हमारी सरकार विश्वविद्यालय के विकास के लिए हर संभव कोशिश करती रहेगी। मुझे विशेष तौर से यही कहना है कि जहां हम नए अनुसंधान कर रहे हैं और उसके नतीजे हमारे सामने अगर बेहतर आ रहे हैं, उसका लाभ किसानों तक पहुंचे, किसानों को उसके बारे में जानकारी हासिल हो, ताकि अनुसंधान जो आपने किया है उसको अपने खेतों में उसको हम स्थान दे सके, जगह दे सके, वहां पर जमीनी हकीकत के साथ क्या वो हमारा अनुसंधान किया हुआ उसमें सफलता हमको हासिल हुई है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से मोहिनी सूद की रिपोर्ट।